अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी 9 बज रहा है रात। अभी एक वीडियो मैं एंड की हूँ, मतलब 6 बजे के करीब एक वीडियो एंड की, तो सोची कि अभी स्टार्ट कर देती हूँ। अभी सोची हूँ मैं ना कि जो भी मतलब जो हो सकेगा मेरे से मैं डालूँगी, मतलब रोकूंगी नहीं। देखिए गुड्डू भी क्या खा रहा है। गुड्डू हाय कर दो। हाय गुड्डू, अरे बहुत बदमाश है। जितना दिखने में सीधा लगता है उतना सीधा है नहीं। हर एक चीज़ ये बर्बाद करते रहता है। आ डांटो तो एकदम नीचे करके, मुंडी नीचे करके ये हो जाएगा कि जैसे लगता कुछ किया ही नहीं है, इतना बात को इग्नोर करता है। अभी भी कुछ खा रहा है। तो अभी खाने तौसीफ सब्जी लेकर आ गया था, खाने में चलाई हूँ। पत्ता गोभी आलू की भाजी बना रही हूँ, चावल और रोटी बनाऊँगी। और निखत क्या बनाइए वो भी मैं दिखाऊँगी आपको। तो चलिए मिलती हूँ। गुड्डू गुड्डू ये इसी कंधे पे बैठा रहता है जब तक किचन में मैं रहती हूँ ना। अभी मैं सब्जी चढ़ा कर आई हूँ, किचन में जब तक रहती हूँ ऐसे ही बैठे रहेगा। हॉल में भी रख दूँगी तो भाग के आ जाएगा, क्योंकि किचन में कुछ मिलते रहता है इसको खाने के लिए, इसके लिए भाग भाग के आते रहता है ना गुड्डू। अभी क्या खा रहा था? हाँ अब वीडियो बनती है ना, तो बराबर सुनता है देखता है। इसके अब्बा के साथ रात के 1 बजे 1:30 बजे रात तक ये पिक्चर देखता है। एक साइड उनके साइड में बैठ जाएगा बाजू में, और ऐसे मुंडी टेढ़ा करके पिक्चर देखेगा। कल रात को इसके अब्बा बोल रहे हैं कि देख देख कैसे देख रहा है, पिक्चर देख रहा है। और गाना उना भी बराबर ऐसे करके सुनेगा। ये देखिए सुन रहा है कि बात हो रही है मेरी। चलिए दिखाती हूँ क्या बनाइए निकट। हम मैं भाजी या चावल चढ़ाई हूँ, अभी रोटी बनाऊँगी। मिलती हूँ फिर। ये बनाइए निकट बटेटो चिल्ली, चिकन क्रिस्पी बनता है ना उसी का, बटेटो आलू का बनाइए। और मैं यहाँ पे ये सब्जी चढ़ाई हूँ, पत्ता गोभी आलू और टमाटर की। और यहाँ पे चावल याद निखत भरुआ बैंगन बनाइए, छोटा छोटा बैंगन था जो उस दिन संडे के दिन भी बनाई थी, तो उस दिन भी बहुत अच्छा बनाता था, लेकिन उस दिन थोड़ा ही बनाई थी। तो आज फिर खाने का उसका दिल हुआ तो आज फिर से बना ली। देखिए उस दिन ना मैं बताई नहीं, लेकिन उस दिन बहुत बड़ा बड़ा बैंगन था, आज मैं छोटा छोटा बैंगन लाई हूँ। अरे बहुत अच्छा, उस दिन संडे के दिन भी बहुत अच्छा बना था, आज भी बहुत अच्छा बना। इसके साथ रोटी मैं बनाई हूँ, तो ये अपने भाभी का रेसिपी देख के बनाई है, और बहुत अच्छा बनाती भी है ये। संडे के दिन का तो इतना अच्छा बना था कि सब ख़त्म हो गया था। लास्ट में मैं इसके अब्बा बच गए थे तो थोड़ा ही था, तो उसी में हम लोग खाए। तो आज बोली कि अम्मी बैंगन ला दो, आज बना देती हूँ, तो वही आज बनाइए। ये देखिए बैंगन भी अच्छा ऐसी गाढ़ा गाढ़ा मसाला भी है। पर दाल चावल और है बैंगन और रोटी। ये वीडियो कल रात को मैं स्टार्ट की थी, लेकिन पूरा नहीं हुआ तो छोड़ दी मैं थोड़ा ही कल रात को बनाकर, तो सोची आज कंप्लीट कर देती हूँ इसको। तो यही है, अभी दिखाती हूँ आगे क्या है। अभी किचन उचन साफ करना है, खाना तो बन गया है। मिलती हूँ फिर आपसे। तो निखत बनाई रही है बैंगन भरुआ बैंगन, तो मैं थी नहीं तो शूट करती मैं चली गई थी निखत के ट्यूशन का बात करने के लिए, क्योंकि कई दिन से परेशान हूँ, एक हफ्ते से
उसको नई क्लासेस भी नहीं जाना है, उसको ट्यूशन चाहिए। तो दसवीं में जहाँ पढ़ी थी वहाँ भी बात की जाके, तो वहाँ नहीं ले रहे हैं, मतलब बोले दूसरी जगह। कौन सा सब्जेक्ट ली है? आर्ट्स ली है। तो वो आर्ट्स का बच्चा कोई भी नहीं है वहाँ पे, तो मतलब अकेला, गुड्डू चुप हो जा, तो अकेला मतलब पड़ जाएगी, इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा वो टीचर को। तो एक जगह का बताई है, ये देखिए ये भी आ गया, तो एक जगह का बताइए। तो कल जाऊंगी मैं बात करने, फ़ोन पे बात की हूँ तो 3:30 बजे बुलाए, क्योंकि 12वीं का 11वीं में तो नहीं डाली थी ट्यूशन, 12वीं का अभी बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा तो उसमें तो क्लास ही चाहिए या तो ट्यूशन अच्छा चाहिए। तो ही कल जाऊंगी 3:30 बजे के करीब बात करने के लिए। अब कल से तौफीक भी जाएगा ट्यूशन, इसको भी डाल दी हूँ, क्योंकि अभी तबीयत ख़राब चल रही थी इसकी तो छोड़ी हुई थी। और घर में तो बिल्कुल पढ़ता नहीं है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता इसको, घर में क्लासेस रहती है, खाली क्लासेस अटेंड करता है। तो अभी छोड़ी थी कि थोड़ा तबीयत ख़राब है, थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो अभी तो तबीयत भी उसकी ठीक है, खेलने वेलने भी बाहर जाने लगा। उससे अच्छा है कि वो ट्यूशन में जाए अपना, तो उसका भी बात करके आई हूँ। और निखत का कल जाके बात करूँगी, और फिर कभी बनाएगी निखत भरुआ बैगन तो उसका रेसिपी ज़रूर दूंगी, बहुत अच्छा बनाती है, और अपने भाभी का रेसिपी देख के बनाती है, तो उसका जो भी रेसिपी देख के बनाओ वो अच्छा ही खाना बनता है, ख़राब बन। वो वीडियो का लिंक ना मैं अपने इसमें डाल दूंगी वीडियो के नीचे, अगर आपको देखना होगा तो देख लीजिएगा। वो बैगन, भरुआ बैगन का रेसिपी पहले से मेरे बहू के चैनल पर है, और कुकिंग बहुत अच्छा कुकिंग करती भी है, बहुत कुछ तो मैं उसी से सीखी हूँ, ऐसा नहीं है मेरे को बहुत कुछ नहीं आता था बनाने, बहुत कुछ मैं उससे सीखी हूँ। ये देखिए गुड्डू कैसे दुपट्टा खा रहा है, ये अभी नीचे था और ऊपर आ गया। छोड़ो गुड्डू, छोड़ो। हाँ, इसको भी मालूम रहता है कि मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, वीडियो के टाइम आ जाता है, अभी किचन में था। और आज गुड्डू कुछ भी नहीं तोड़ा है, आज गुस्से में आके बार बार ये रूम में कूलर पे बैठ जा रहा था, है ना गुड्डू। हाँ, आज मिट्टू बाहर भाग गया था, वो दूसरा वाला जो है। हाँ, तो फिर तौसीफ उसको देखा तो लेकर आया, पीछे घर के पीछे चला गया था, तो उसको तौसीफ उधर ही गया तो देखा कि किसी के बाइक पे बैठा हुआ था, तो उसको पकड़ के लेकर आया। तो यही सब है, चलिए फिर मिलती हूँ, क्योंकि ये वीडियो कल रात को मैं स्टार्ट की थी, फिर सुबह से मतलब बनाई नहीं, अभी सर पे चढ़ेगा तो सुबह से बनाई नहीं, तो अभी सोची बना लेती हूँ, चलिए मिलती हूँ फिर। तो फिर कुछ बोलना है नहीं, अभी थोड़ा अच्छा हुआ है ना, तो खेल खेल के एकदम ये हुआ पसीना, अब भी बाहर से खेल कर आया है, है ना। अब कल से अपना जाएगा ट्यूशन, होमवर्क करेगा, उसमें बिजी रहेगा पूरा दिन। अभी स्कूल का भी जितना आ रहा है ना सब बाकी है, कल सुबह जाना है उसको लेके स्कूल जाना है, वो सब जो थोड़ा बहुत हुआ है उसको सबमिट करना है स्कूल में, तो बाकी जो व्हाट्सएप पे सब जो आया है अभी उसको करना बाकी है। तबीयत खराब थी तो नहीं किया था, अभी थोड़ा ठीक हो गया है तो अभी करेगा धीरे धीरे आराम से वो भी। तो ये तौफीक के स्कूल का बुक सब आ गया, ये बार ना बहुत लेट मंगाई हूँ मैं बुक, एक हफ्ते का भी है ना? नहीं सब तेरी नहीं है। सब मेरा है। ये निकट तेरा है क्या? इसमें ये क्या है देख? फॉर्म है मेरा। नहीं ये फॉर्म है खाली, ये वाला को कॉपी की तो लग रही है। नहीं तेरी है, इसी की है ना, इसी तेरी है ये ना, कॉपी की जैसी है। हाँ तो ये नोटबुक है, तो ये बुक सब आज मंगाई हूँ, कल से ट्यूशन जाएगा तो उसमें सब स्कूल की बुक सब चाहिए। अभी तो जो भी हो रहा था वही व्हाट्सएप पे से यार गूगल क्लास रूम पे क्लास लेते हैं इन लोग की। अभी सब ना नोटबुक सब बाकी है ना, अभी टेक्स्ट बुक सब खाली आया है, अभी नोटबुक सब बाकी है लाने को।
तो कल मंगाऊंगी। वही पूछने गई थी आज कौन कौन सा बुक सब चाहिए। ये सब तो मतलब स्कूल का नाम बताओ दुकान में, और कौन से क्लास में है वो बताओ, उसके बाद वो दुकान वाले खुद ही दे देते हैं। अभी नोटबुक कितना लगेगा वो पूछना है, पूछ के मंगाना है, क्योंकि व्हाट्सएप पे आता है ना, तो वो सब करके रखना पड़ेगा, फिर जब टीचर बोलेगी फिर जाके वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। और इसलिए भी है, इसके साथ ये भी मिला, इसलिए भी है। पाँच दिखा दो, पाँच भी है, मैं सामान रख चुका इसमें, तो दिखा दो। पिलसिन रबर शॉपनर यही सब है इसमें, बस यही है, यही सब रखो अभी थैली में, फिर बैग देती हूँ मैं। बैग कहाँ है तेरा? वो रूम में होगा, मैं देती हूँ निकाल के, जब तक थैली में रख दो ये सब। कपड़ा मेरा अभी तक नहीं सूखा है, क्यों सूखता ही नहीं है, थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है और पंखे के हवा से भी नहीं सूखता है जल्दी। यार मोटा मोटा जीन्स सब पैंट सब रहता है ना, वो सब भी यार जगह भी कम है रखने का, तो एक ही साथ मतलब दो तीन रस्सी है उसी पे दम सटा सटा के रखना पड़ता है, उसमें कपड़ा सब भी चूर हो जाता है, इसलिए सूखता भी नहीं है। तो यहाँ पे तौसीफ पबजी खेल रहा था, तो थोड़ा सा मैं शूट कर ली। अभी तो ये तीनों भाई का पबजी खेलना थोड़ा कम हो गया, पहले तो बहुत ज़्यादा खेलते थे। और आज की वीडियो यहीं तक थी, इतना ही थी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो न्यू है मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। चलिए फिर ऐसी अच्छी सी वीडियो लेकर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।